हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी फीड ऑफ फिजिकल एजुकेशन चैनल। दोस्तों, आज के सेशन में 53 क्वेश्चनों का प्रैक्टिस है। दोस्तों, एक एक क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। एक एक क्वेश्चंस को आप ध्यानपूर्वक देखिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा, एक भी क्वेश्चन स्किप मत कीजिएगा। जैसा कि आपका बीपीएससी तैयारी 3 का जो एग्ज़ाम है 10-11 जून को कंडक्ट कराने की बात कही गई है, कल जैसे कि सूचना आया है। तो जैसे कि आपके पास अब टाइम नहीं है दोस्तों, अप्रैल आपका बीत चला और मई एक महीना है, फिर जून आपका हो जाएगा, आ जाएगा। तो अब आपके पास टाइम नहीं है, अब आप जितना ज़्यादा रिवीजन हो सके करिए दोस्तों, क्योंकि ये आपकी अपॉर्चुनिटी है। वैकेंसी आती नहीं है, तो TRE 3 में आपका सीट कम है, बट TRE 4 में जो है सीटें अच्छी आने की चांस है, वो आने के बाद ही पता चलेगा कितना आएगा। बट आप अपने तरफ से 100% दीजिए, आगे जो कर्म करिए, बस फल तो भगवान के हाथ में है, बस अपना कर्म करिए, 100% दीजिए, आगे जो होगा सो होगा। तो दोस्तों, चलते हैं आज के क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन है दोस्तों, गेस्टाल्ट ने कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया था? दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि सीखने के सिद्धांत के अंतर्गत व्यवहारवादी और गेस्टाल्टवादी दो थे। व्यवहारवादी जो थे उसमें सीखने का उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत दिया, जिसमें आपका थार्नडाइक हो गए, पावलोव हो गए, एंड आपका जैसे कि थार्नडाइक ने दिया है प्रयास त्रुटि ट्रायल एरर सिद्धांत, पावलोव ने दिया है शास्त्रीय अनुबंध यानी प्रतिबंधित अनुक्रिया या अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत, स्किनर ने क्रिया प्रस्तुति या सक्रिय अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत, हॉल गुथरी आदि ने एंड गेस्टाल्टवादी जो है वो सीखने के क्षेत्र संबंधित सिद्धांत दिए हैं, जिसमें से सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। जैसे कि गेस्टाल्टवादी के जनक हैं वर्दीमन और व्यवहारवादी के जनक हैं पार्सन। तो गेस्टाल्टवादी के जनक हैं वर्दीमन, लेकिन सबसे पहले सिद्धांत दिया उस पर सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत कोहलर ने, जो चिंपैंजी पर दिया हुआ है। एंड गेस्टाल्टवादी के अंतर्गत आपका अल्बर्ट बंडूरा ने सामाजिक अधिगम का सिद्धांत एंड संज्ञानात्मक सिद्धांत जिम पियाजे, ये सभी आते हैं उसके अंतर्गत। तो यहाँ पे प्रयत्न भूल का सिद्धांत दिया है थार्नडाइक ने, अनुकूलन का सिद्धांत दिया है पावलोव ने, सीखने का सिद्धांत भी थार्नडाइक ने। तो यहाँ पे उपरोक्त में से कोई नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि गेस्टाल्टवादियों ने सूझ अंतर्दृष्टि का सिद्धांत दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फीडबैक विधि है। तो फीडबैक दोस्तों, जो भी आप कार्य करते हैं लास्ट में आपका कंक्लूजन निकालते हैं कि कार्य का जो परिणाम हुआ कैसा रहा, कहाँ कहाँ पे मिस्टेक हुआ, क्या सुधारने की जरूरत है। तो हमेशा फीडबैक जो होता है दोस्तों, वो हमेशा सीखने के लिए सहायक होता है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर क राइट होगा। नेक्स्ट है, शारीरिक कुशलताओं को सीखने का संबंध किससे है? तो दोस्तों, किसी भी शारीरिक स्किल को कुशलताओं को आप सीखेंगे तो मोटर लर्निंग, जो हमारे मोटर लर्निंग है, गति है, हाथ पैर या अंगों का संचालन है, उसके बारे में हम अध्ययन करते हैं, उस पर सुधार करते हैं, यहाँ पे मोटर लर्निंग आपका राइट आंसर होगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वाभाविक अभिप्रेरणा का एक नाम यह भी है। दोस्तों, अभिप्रेरणा यानी मोटिवेशन दो प्रकार का होता है, प्राथमिक और द्वितीयक यानी आंतरिक और बाह्य। तो स्वाभाविक होता है, आंतरिक अभिप्रेरणा जो होता है वो स्वाभाविक होता है, यानी कि जन्म से विद्यमान होता है। तो आंतरिक अभिप्रेरणा है जैसे कि सुख दुख एंड भूख लगना, प्यास लगना, ये स्वाभाविक अनुक्रिया है, ठीक है, स्वाभाविक अभिप्रेरणा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मानव मनोविज्ञान का अध्ययन सीमित है। तो दोस्तों, मनोविज्ञान को सबसे पहले आत्मा का विज्ञान, फिर मन का विज्ञान, फिर चेतना का विज्ञान, फिर व्यवहार का विज्ञान, अब वो व्यवहार का विज्ञान तक ही सीमित है। तो व्यवहार तक यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, वाटसन ने मनोविज्ञान की विषय वस्तु को निम्न में से क्या माना था? तो दोस्तों, उन्होंने उत्तेजना अनुक्रिया माना था। नेक्स्ट है, मनोविज्ञान की विषय वस्तु निम्न में से क्या है? तो दोस्तों, क्या है वर्तमान में? व्यवहार है। क्या है? व्यवहार है। नेक्स्ट है, उद्देश्य पूर्ण व सफल शिक्षा तथा व्यवसाय चयन के लिए निर्देशन सेवाएं किसके लिए आवश्यक है? तो दोस्तों, उद्देश्य पूर्ण सफल शिक्षा और व्यवसाय चयन के लिए ये निर्देशन सेवाएं किसके लिए आवश्यक है? तो दोस्तों, यह आवश्यक है बालक
वह व्यक्ति को विभिन्न विषयों एवं कार्यों के अवसर प्रदान किए जाएं, जिससे वह अपनी रुचि व क्षमता की स्वयं खोज कर सके। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं दोस्तों। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा और व्यवसाय में निर्देशन सेवाओं का क्या उद्देश्य है। एक आप निर्देशन कर रहे हैं, उसको निर्देशित कर रहे हैं, संचालित कर रहे हैं, मैनेजमेंट कर रहे हैं, तो इन सेवाओं का क्या उद्देश्य है शिक्षा और व्यवसाय में। तो दोस्तों इसका उद्देश्य है कि व्यक्ति में इस प्रकार सूझबूझ उत्पन्न करना है कि वह अपने निर्णय स्वयं ले सके, किसी और पर आधारित न हो। नेक्स्ट दोस्तों, समन्वित व्यक्तित्व के विकास का क्या अर्थ है। तो दोस्तों समन्वित व्यक्तित्व के विकास का अर्थ है कि व्यक्ति के ज्ञान, चिंतन और क्रियाओं में तालमेल हो, जिससे कार्य का निष्पादन सफलतापूर्वक किया जा सके। ठीक है, ये समन्वित व्यक्तित्व विकास, एक संतुलन वाले व्यक्तित्व यानी पर्सनालिटी का विकास है, कि उसके अंदर ज्ञान हो, चिंतन हो, क्रियाओं में तालमेल यानी कोऑर्डिनेशन करने की क्षमता हो, ठीक है, जिससे कार्य का जो संपादन है वो सफलतापूर्वक किया जा सके। नेक्स्ट दोस्तों, बालक के सर्वांगीण विकास के लिए क्या आवश्यक है। आप कई बार पढ़े हुए हैं कि शारीरिक शिक्षा क्या करता है, तो व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करता है, यहाँ पे शारीरिक शिक्षा फिजिकल एजुकेशन राइट होगा। नेक्स्ट है, भारत में पाठ्यक्रम को किस जानकारी से अधिक उपयोगी बनाया जा सकता है। तो दोस्तों भारत में पाठ्यक्रम को सबसे पहले उसके भारतीय अपनी संस्कृति के बारे में नहीं जानेगा तो कैसे उसका विकास होगा। तो भारतीय संस्कृति का ज्ञान से अधिक उपयोगी बनाया जा सकता है। नेक्स्ट है, शिक्षा के लिए कौन सी परीक्षा पद्धति उपयुक्त है। तो दोस्तों किसी भी चीज को अगर छोटे छोटे टुकड़ों में बांट के आप कार्य करेंगे तो वो आपका कार्य जो है आसान हो जाता है। तो यहाँ पे सेमेस्टर पद्धति जो है वो उपयुक्त है। नेक्स्ट है, निम्न में से क्या विषम है। तो दोस्तों यहाँ पे अमेरिकन ग्रीप, फिनिश ग्रीप, स्पेनिश ग्रीप, हंगोरियन ग्रीप। फिनिश ग्रीप तो आपका भाला फेंक में होता है, बट यहाँ पे राइट आंसर दिया है विषम क्या है, तो स्पेनिश ग्रीप दिया है, और सब सम है दोस्तों। कैसे सम है ये हमको नहीं पता, बट आपको देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइसोकाइनेटिक व्यायामों की खोज किसने और कब किया। तो दोस्तों आइसोकाइनेटिक की खोज 1968 में जेम्स पेराइन ने किया था, तो यहाँ पे 1960 दिया है दोस्तों, आप अपने बुक में कंफर्म कर लीजिएगा। जो आपका आइसोटोनिक है 1954 में खोज हुआ था, आइसोमेट्रिक की खोज 1953 में हुआ था, एंड आइसोकाइनेटिक की खोज 1968 में जेम्स पेराइन ने किया था। लेकिन अगर ऑप्शन में 68 नहीं रहेगा तो आपको 60 ही टिक करना है। यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाता है, जेम्स पेराइन ने किया है तो आपको करना ही है टिक। ठीक है, तो क्वेश्चन के हिसाब से आंसर बदलते रहेंगे। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सा आइसोमेट्रिक व्यायाम नहीं है। तो आपको पता है जो आइसोमेट्रिक, आइसोटोनिक, आइसोकाइनेटिक, ये तीनों स्ट्रेंथ को डेवलप करने की विधि है, जिसमें से आइसोमेट्रिक, आइसो मतलब सेम, मेट्रिक मतलब लंबाई यानी सेम लंबाई। आइसोमेट्रिक की खोज 1953 में हेटिंगर व मूलर ने किया था, और आइसोमेट्रिक का मतलब होता है सेम लंबाई। पेशियों में प्रत्यक्ष कोई गति नहीं होती, कार्य होता हुआ दिखाई नहीं देता, पेशियों की लंबाई में कोई चेंज नहीं होता, न छोटी होती है न बड़ी होती है, जैसे स्थिर अवस्था में रहती है, जैसे कि दीवार को धक्का देना। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों देखना है कि आइसोमेट्रिक व्यायाम नहीं है, तो दीवार को धकेलना है, भार लेकर खड़े रहना भी है, एक ही स्थान पर दौड़ना नहीं है। दोस्तों दौड़ेंगे तो हमारा फ्लेक्शन एक्सटेंशन मूवमेंट हो रहा है, पेशी की जो लंबाई है छोटी बड़ी हो रही है, इसका मतलब ये आइसोटोनिक है, आइसोमेट्रिक नहीं है। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा एक ही स्थान पर दौड़ना, एक ही स्थान पर दौड़ना किसका हो जाएगा, आइसोटोनिक का एग्जाम्पल याद रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, कौन सा व्यायाम आइसोटोनिक नहीं है। तो दोस्तों आइसो मतलब सेम, टोनिक मतलब तनाव, सेम तनाव होता है, पेशियों की लंबाई घटती बढ़ती है। आइसोटोनिक की खोज 1954 में ली डोने ने किया था, और आइसोटोनिक का मतलब होता है सेम तनाव और पेशियों की लंबाई घटती बढ़ती है। एक दो प्रकार का होता है, इसेंट्रिक कंट्रेक्शन, कंसेंट्रिक। जब हम डंबल का अभ्यास मान लो कर रहे हैं, जब ऊपर की तरफ आता है कोण कम होता है,
तो वहां पे कंसेंट्रिक कंट्रक्शन होता है, और जब हम नीचे की तरफ लाते हैं पेशी फैलती है तो वहां पे कोर ज्यादा होता है, वो इसेंट्रिक कंट्रक्शन होता है। तो इसके अंतर्गत क्या होता है कि पेशी छोटी बड़ी गतियां प्रत्यक्ष दिखाई देती है, शक्ति प्राप्त करने की सर्वोत्तम विधि होती है। इसके अंदर जैसे कैलिस्थेनिक व्यायाम, एक ही स्थान पर दौड़ना, भार प्रशिक्षण, मेडिसिन बाल के साथ व्यायाम, यह उपकरणों तथा बिना उपकरणों दोनों के साथ किया जाता है। दोस्तों जैसे एक ही स्थान पर दौड़ रहे हैं तो वहाँ उपकरणों का प्रयोग नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे कौन सा व्यायाम आइसोटोनिक नहीं है? दोस्तों भार प्रशिक्षण है, कूदना भी है, मेडिसिन बाल के साथ व्यायाम करना भी है, बट दीवार को धकेलना नहीं है, क्योंकि दीवार को धकेलना किसका एग्जाम्पल है? आइसोमेट्रिक का। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार के व्यायामों का प्रयोग नाव खेलना और तैरना आदि पानी के खेलों में किया जाता है? तो आप क्वेश्चन पढ़ते ही सही आंसर टिक कर दिए होंगे दोस्तों, जैसा कि मेरा विश्वास है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि मैंने आपको बताया है कि जो आइसोकाइनेटिक होता है, जिसकी खोज 1968 में जेम्स पेरिन ने किया था, आइसो मतलब सेम, काइनेटिक मतलब गति, सेम गति, एक समान गति, यह मशीनों की सहायता से ज्यादा किया जाता है, जैसे पानी वाले खेलों में जैसे रोइंग, नाव खेलना, तैरना आदि। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों? आइसोकाइनेटिक व्यायाम। क्या राइट आंसर हो जाएगा? आइसोकाइनेटिक व्यायाम। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहन क्षमता बढ़ाने की सबसे अच्छी प्रशिक्षण विधि क्या है? तो दोस्तों सहन क्षमता बढ़ाने की सबसे अच्छी प्रशिक्षण विधि जो है वो कंटिन्यूअस ट्रेनिंग मेथड है, यानी निरंतर प्रशिक्षण विधि, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रॉस कंट्री किस प्रशिक्षण की सर्वोत्तम विधि मानी जाती है? दोस्तों जो भी अधिक समय की क्रियाएं होंगी वो सहनशीलता को डेवलप करेंगी, सहनशीलता मतलब निरंतर कार्य, ठीक है। यहाँ पे निरंतर प्रशिक्षण यानी कंटिन्यूअस ट्रेनिंग विधि का सर्वोत्तम विधि माना जाता है क्रॉस कंट्री प्रशिक्षण। नेक्स्ट दोस्तों, फॉर्टलेक प्रशिक्षण विधि का प्रतिपादन किसने किया था? तो दोस्तों फॉर्टलेक प्रशिक्षण को 1937 में गोस्टा होमलर ने खोजा था। किसने खोजा था? गोस्टा होमलर ने, सहनशीलता को डेवलप करने के लिए। फॉर्टलेक शब्द जो है स्वीडिश शब्द है, जिसका अर्थ होता है गतिज खेल, यानी गति में खेल, यानी स्पीड प्ले, और यह बिना पूर्व नियोजित ढंग से कराया जाता है, याद रखिएगा। इसमें अभ्यास गति अपनी इच्छा अनुसार मैनिपुलेट यानी कि प्रेरित किया जा सकता है, इसलिए इसको स्पीड प्ले विधि भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, सामान्य तैयारी खेल प्रदर्शन के लिए कराया जाता है या कौन सा सिद्धांत कहलाता है? तो दोस्तों खेल प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए सामान्य तैयारी किया जाता है, तो इसको हम सामान्य तथा विशिष्ट तैयारी का सिद्धांत कहेंगे। दोस्तों आदर्श क्वेश्चन यहाँ पे खेल प्रशिक्षण के सिद्धांत से है, जिसको मैंने आपको अच्छे से तरीके से बताया हुआ है। स्पोर्ट ट्रेनिंग वाले प्लेलिस्ट में जाइए और सभी खेल प्रशिक्षण के सिद्धांतों को आप वहां पे देख सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको खेल प्रशिक्षण के सिद्धांत में बताया हुआ है वार्मिंग अप एंड कूलिंग डाउन का सिद्धांत, निरंतरता यानी कंटिन्यूटी का सिद्धांत, अतिभार ओवरलोड का सिद्धांत, निजता या व्यक्तिगत भेद यानी कि इंडिविजुअल डिफेंस का सिद्धांत, सक्रिय सहभागिता सिद्धांत यानी कि एक्टिव पार्टिसिपेशन, एंड सामान्य और विशिष्ट तैयारी का सिद्धांत, एंड विशिष्टता का सिद्धांत, एंड रेस्ट एंड रिकवर का सिद्धांत, एंड चक्रियता का सिद्धांत, विविधता का सिद्धांत, प्रगतिक्रम का सिद्धांत, परिणाम प्राप्ति सुनिश्चित करने का सिद्धांत, एंड योजनाबद्ध एवं क्रमबद्ध ट्रेनिंग का सिद्धांत, एंड स्पष्टता का सिद्धांत। ये सभी चीजों के बारे में मैंने बताया हुआ है, ये सभी खेल प्रशिक्षण के सिद्धांत है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी खिलाड़ी के उच्च प्रदर्शन स्तर के सामान्य दक्षता एवं तकनीकी एवं युक्तिपूर्ण दो कारक विशेष रूप से महत्वपूर्ण होते हैं, यह कौन सा सिद्धांत कहलाएगा? तो दोस्तों यह भी आपका कहलाएगा सामान्य और विशिष्ट तैयारी का सिद्धांत, क्योंकि हम उसके उच्च प्रदर्शन के लिए एक सामान्य तकनीकी का विशिष्ट तैयारी कर रहे हैं। नेक्स्ट है, विशिष्ट तैयारी के माध्यम से भी पुनः अंगों एवं यंत्र क्षमताओं का विकास तकनीक युक्तिपूर्ण प्रदर्शन के दौरान किया जाता है,
यह कौन सा सिद्धांत कहलाएगा दोस्तों, तो यह भी आपका सामान्य एवं विशिष्ट तैयारी के सिद्धांत के अंतर्गत आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25 है कि शक्ति, चाल, सहनशीलता, समन्वय योग्यताओं में योग्यताओं के किस सिद्धांत को प्रतिपादित करती है, तो दोस्तों यह सिद्धांत जो है एक स्पष्टता का सिद्धांत प्रतिपादित करती है, स्पष्टता का सिद्धांत प्रतिपादित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रशिक्षक द्वारा खिलाड़ी को खेल की तकनीक एवं युक्ति का ज्ञान स्पष्ट रूप से कराया जाता है, तो स्पष्ट रूप से कोई चीज कराया जाता है, यहाँ पे स्पष्टता का सिद्धांत राइट आंसर हो जाएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खिलाड़ी को किसी भी खेल की तकनीक युक्ति इससे संबंधित तथ्य को स्पष्ट रूप से ज्ञात करना, तो स्पष्ट रूप से ज्ञात करना दोस्तों स्पष्ट शब्द आ गया है, यहाँ पे भी आपका राइट आंसर हो जाएगा, स्पष्टता का सिद्धांत के अंतर्गत यह आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है खिलाड़ी प्रक्रिया के सभी तथ्यों से अवगत होना चाहिए, यह कौन सा सिद्धांत कहलाएगा, तो दोस्तों सभी तथ्यों से अवगत होना चाहिए यानी कि हमेशा सक्रिय सहभागी होना चाहिए, यह सक्रिय क्रियाशील सहभागिता का सिद्धांत के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रशिक्षक को खिलाड़ी की रुचि, व्यवहार और प्रदर्शन में बढ़ोतरी आदि का मूल्यांकन करना चाहिए, यह कौन सा सिद्धांत कहलाएगा दोस्तों, तो यह कहलाएगा क्रियाशील सहभागिता का सिद्धांत। नेक्स्ट है निम्न विभिन्न उत्तकों में कोशिकाओं को परस्पर बांधे रखने में सर्वाधिक सहायक है, तो दोस्तों विटामिन सी जो है ऐसा विटामिन है जो कोशिकाओं को उत्तकों को आपस में बांधे रखता है। नेक्स्ट है मादक पदार्थों के सेवन से शरीर का निम्न अंग प्रभावित होता है, तो दोस्तों मादक पदार्थों के सेवन से हमारा मस्तिष्क भी, यकृत भी एंड वृक्क भी सभी चीजें प्रभावित होती हैं, तो उपरोक्त सभी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से सबसे कम मादक पदार्थ है, तो दोस्तों यहाँ पे चाय, अफीम, ड्रग्स, शराब, इन सब सभी मादक पदार्थ है, बट इसमें जो ऑप्शन दिया है उसके अंतर्गत चाय जो है सबसे कम मादक पदार्थ है। नेक्स्ट तपेदिक यानी कि ट्यूबरक्लोसिस टीबी रोग उत्पन्न करने के मेने में जीवाणु सहायक होते हैं, तो दोस्तों जो टीबी होता है तपेदिक जिसे क्षय रोग भी बोला जाता है, यह माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नामक बैक्टीरिया से फैलता है, तो यहाँ पे कोई नहीं दिया है ऑप्शन में, यहाँ पे इनमें से कोई नहीं होगा। इसमें जो बैसिलस जीवाणु है दोस्तों वो एंथ्राक्स रोग जो एक होता है मानव पशु दोनों में संक्रमित करता है, तो बैसिलस एंथ्रेक्स की जीवाणु द्वारा फैलता है। तो तपेदिक या टीबी कैसे फैलता है, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से, ठीक है। और टीबी जो है फेफड़ों या श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है, जैसे ज्वर, खांसी, थूक में रक्त आदि इसके लक्षण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है त्वचा के रोग, फोड़े, फुंसी आदि को पैदा करने में निम्न जीवाणु जिम्मेदार हैं, तो दोस्तों इसके लिए जिम्मेदार होता है कोकस जीवाणु यानी कोकस नाम का बैक्टीरिया है जो हमारे त्वचा के रोग, फोड़े, फुंसी आदि को पैदा करने के जिम्मेदार होता है। नेक्स्ट है हैजा रोग फैलाने में निम्न जीवाणु सहायक होते हैं, तो दोस्तों हैजा जिसे कॉलेरा कहा जाता है यह भी बैक्टीरिया के द्वारा फैलता है या विब्रियो कॉलेरी नामक बैक्टीरिया से फैलता है, विब्रियो कॉलेरी, ठीक है। हैजा जो आंत और आहार नाल को प्रभावित करता है, ओमेटिंग एंड दस्त इसके लक्षण है। नेक्स्ट है VCG का टीका बच्चों को निम्न अवधि में लगाया जाता है, तो यह अक्सर 0 से 6 माह के अंदर लगाया जाता है। नेक्स्ट है गर्म देशों में पेचिश और मलेरिया को फैलाने के निम्न जीवाणु सहायक हैं, तो आपको पता है जो मलेरिया और पेचिश है दोनों प्रोटोजोआ के द्वारा फैलता है, किसके द्वारा फैलता है, प्रोटोजोआ के द्वारा फैलता है, यानी कि प्रोटोजोआ जो मलेरिया होता है आपका उसकी परजीवी प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ होता है, वाहक मादा एनोफिलीज मच्छर होता है, और जो पेचिश होता है
उसका जो वाहक होता है एंट अमीबा हिस्टोलेटिका परजीवी होता है और वाहक दूषित भोजन होता है। ठीक है, नेक्स्ट है शरीर रचना की प्रारंभिक जीवित एक इकाई है। दोस्तों हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई या प्रारंभिक इकाई है कोशिका यानी सेल। नेक्स्ट है समान कोशिकाएं मिलकर शरीर रचना के किस उत्तरदायी तत्व का निर्माण करती हैं? तो समान रचना समान कार्य वाली जो कोशिकाएं आपस में मिलकर ऊतक का निर्माण करती हैं यानी टीशू। नेक्स्ट है ऊतक मुक्त यानी टीशू कितने प्रकार के होते हैं? तो ऊतक यानी टीशू जो है चार प्रकार के होते हैं, एपिथेलियल टीशू, कलेक्टिव टीशू, मस्कुलर टीशू एंड नर्वस टीशू। यहाँ पे चार आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों अस्थियों का निर्माण होता है। तो दोस्तों अस्थियों का जो निर्माण होता है वो कार्टिलेजो यानी कि जो उपास्थि होता है उससे भी होता है, खनिज लवणों से होता है जैसे कैल्शियम फॉस्फोरस और कार्बनिक पदार्थों से भी होता है। तो इन सभी के योग से अस्थियों का निर्माण होता है। अस्थियों के निर्माण की प्रक्रिया को ऑस्टियोब्लास्ट कहा जाता है एंड अस्थियों के विघटन की प्रक्रिया को ऑस्टियोक्लास्ट कहा जाता है। एक क्वेश्चन बार बार पूछा गया है इसलिए ध्यान रखिएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है अस्थियों में मुख्यतः उपस्थित रहता है। तो दोस्तों कैल्शियम और फॉस्फोरस ज़्यादा उपयोग उपस्थित रहता है हमारे अस्थियों धातु में। यहाँ पे कैल्शियम राइट आंसर हो जाएगा आपका ख, कैल्शियम फॉस्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, कैल्शियम फॉस्फेट एंड कैल्शियम कार्बोनेट। नेक्स्ट है हमारे शरीर में कुल कितनी अस्थियां पाई जाती हैं? तो आप रटे रटाए हैं इस क्वेश्चन को, 206 होती हैं यानी कि एक्सियल कंकाल 80 और अपेंडिकुलर 126। अपेंडिकुलर में 126 में अपर लिम में दोनों हाथ कंधे हौसली को मिलाकर 64 और लोअर लिम में दोनों पैर और हिप को मिलाकर के 62 यानी कुल 126 अपेंडिकुलर में और एक्सियल कंकाल में 80 हड्डियां यानी 206 हड्डियां होती हैं। नेक्स्ट है हमारे खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां होती हैं? खोपड़ी यानी स्कल में कुल 29 होती है दोस्तों हमारे खोपड़ी में, कपाल में, स्कल में जिसमें क्रैनियल बोन हमारे मस्तिष्क में 8 एंड चेहरा में 14, कान दोनों तरफ 3-3-6 एंड हायर बोन कंठ में होता है 1। कुल 29 होती है, 29 यहाँ पे नहीं दिया है तो 22 आपका राइट होगा। एंड हमारे मस्तिष्क में कुल कितनी अस्थियां होती है? मस्तिष्क कहने का मतलब है क्रैनियल बोन जो हमारे इसमें 8 हड्डियां होती हैं जिसमें 8 हड्डियों के नीचे हमारा मस्तिष्क यानी ब्रेन जो है वो ढका रहता है, उसकी सुरक्षा होती है। नेक्स्ट है मानव रीढ़ की हड्डी में कितनी कशेरुकाएं पाई जाती हैं? तो दोस्तों मानव रीढ़ की हड्डी में 26 कशेरुकाएं पाई जाती हैं वयस्क होने पर, और जो बच्चे होते हैं तो उसमें 33 होते हैं। जैसा कि आपको पता है कि जो हमारा वर्टिब्रल कॉलम में जो सर्वाइकल वर्टिब्रा होता है गर्दन में 7 होती है, थोरेसिक यानी वक्ष में 12 होती हैं, कटी यानी लंबर में 5 होती हैं, फिर उनके बाद पूंछ जैसा होता है सेक्रल में 5 होते हैं जो बड़े होने पर 5 मिलकर 1 हो जाते हैं, और फिर होता है लास्ट में पूंछ जैसा एकदम हो जाता है कॉक्सिजियल जो 4 होते हैं बड़े होने पर 4 मिलकर 1 हो जाते हैं। इस प्रकार छोटे बच्चों में जो वर्टिब्रल कॉलम की कशेरुकाएं हैं 33 और वयस्क होने पर 26 हो जाते हैं। नेक्स्ट है शरीर के ऊर्ध्व भाग यानी कि जो अपर लिम्ब होता है में कितनी अस्थियां होती हैं? तो अपर लिम्ब में दोनों हाथ, हमारे कंधे, हमारी जो क्लेविकल बोन होते हैं वो आ जाते हैं। तो यहाँ पे कुल 64 हड्डियां होती हैं अपर लिम्ब में। कैसे होती हैं? जैसे कि हमारे दोनों हाथों में 30-30 हड्डियां हो गई, दोनों हाथों में 30-30 हड्डियां, दो आपका रेडियस, दो अल्ना, ठीक है, एंड ह्यूमरस, कार्पल, मेटाकार्पल एंड क्लेविकल जो हमारा हसली होती है और स्कैपुला, सब मिला करके आपका 64 हड्डियां होती हैं अपर लिम्ब में, लोअर लिम्ब में 62 होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों शरीर के अधः भाग यानी कि जंघ आदि यानी कि लोअर लिम्ब में कितनी अस्थियां होती हैं? तो लोअर लिम्ब में 62 होती हैं, दोनों पैरों में 30-30 और दोनों दो आप हड्डी आपके हिप की होती है। ठीक है, 62 हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है
शरीर रूपी इंजन में कौन सा अंग पंप की तरह कार्य करता है? तो आप सबको पता है हमारा हृदय जो है वो पंप की तरह कार्य करता है। हमारे शुद्ध रक्त को धमनियों के माध्यम से समस्त शरीर तक पहुंचाता है, अंगों तक, और अशुद्ध रक्त को शिराओं के माध्यम से दाएं अलिंद में, हृदय के दाएं भाग में पहुंचाता है। नेक्स्ट है, कितने नगरों ने ओलंपिक खेलों की मेजबानी 2 बार से अधिक की है? तो दोस्तों यहाँ पे दिया हुआ है 3 नगरों में, जैसा कि आपको पता है, एक लंदन है, एक आपका एथेंस है, जो एथेंस में तो 2 बार ही हुआ है दोस्तों। 2 बार से अधिक कौन कौन नगर है अभी याद नहीं आ रहा है। लंदन आपका हो गया, और कौन कौन सा हो गया डिटेल में बताइएगा, ठीक है? टोक्यो जापान तो 2 बार हो गया। नेक्स्ट दोस्तों, भारत में ओलंपिक खेलों को प्रारंभ करने का श्रेय किसे जाता है? आपको पता है IOA इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की शुरुआत करने वाले हैं सर दोराबजी टाटा। उन्होंने 1927 में भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना किया और भारत में ओलंपिक खेलों का प्रारंभ किया। नेक्स्ट, प्राचीन ओलंपिक खेलों में विजेताओं को क्या पुरस्कार दिए जाते थे दोस्तों? तो वहां पे जैतून यानी काऊ, जंगली जैतून के पत्तों के ताज पहनाया जाता था। नेक्स्ट, वर्ष 2010 का कॉमनवेल्थ गेम का आयोजन कहाँ हुआ था दोस्तों? तो नई दिल्ली में हुआ था 2010 का। जैसे कि आपको पता है जो हमारा कॉमनवेल्थ गेम है उसकी शुरुआत 1930 में वो हैमिल्टन कनाडा में हुआ था, एंड 2022 का जो राष्ट्रमंडल खेल है, 22वां राष्ट्रमंडल खेल, बर्मिंघम इंग्लैंड में हुआ था 28 जुलाई से 8 अगस्त, एंड 23वां राष्ट्रमंडल खेल 2026 जो है वो विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में होगा। तो दोस्तों आज के सेशन में 53 क्वेश्चन आपने प्रैक्टिस किया। आई होप कि सभी क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। जिस भी क्वेश्चन में डाउट होगा कमेंट में जरूर बताइए, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर भी किया कीजिए जिससे और लोगों तक वीडियो पहुँच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो प्रैक्टिस के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।